मैं कमिंग सर। प्लीज गो। गुड आफ्टरनून सर, यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। उमेश यादव जी, सर आपका हिंदी लिटरेचर बीए, आपने कब एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये लिया था बीए वाला? 2005 में सर, 2005 से लेकर के अब तक आपने क्या किया था, क्या उपलब्धियां रही इसी? सर सशस्त्र सीमा बल में एज ए कांस्टेबल कम्युनिकेशन 3.5 साल तक और किया। उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 7.5 साल तक मैनेजर के रूप में काम किया। ओके, तो जैसे बैंक के साथ आप जुड़े हुए रहे हैं, बैंकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? सर पिछले कुछ समय में एनपीए बढ़ा है, एक तो ये प्रॉब्लम है। और सर मुझे लगता है एनपीए के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कुछ चाहिए बैंकों के लिए। जैसे सर पहले एवर ग्रीनिंग होता था, आरबीआई मॉनिटरिंग करता तो था लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस थे कि एवर ग्रीनिंग को रोक नहीं पाता था। तो उस सिस्टम पर पिछले कुछ सालों में 2-4 सालों में रोक लगा और एनपीए भी कम हुई। आपने पहले कहा कि एनपीए बढ़ रहा है, फिर आपने कहा एनपीए कम हो रहा है। सर एनपीए कुछ सालों पहले बढ़ा हुआ था लेकिन 2017-18 में जहाँ करीब 11% था टोटल लोन का, अभी 2021-22 में 6.1% हुआ है टोटल लोन। सुधार हुआ ना, बिल्कुल ये सर तो सुधार, प्रॉब्लम नहीं हुई ना, नहीं ये सर तो सुधार हुआ। मैंने पूछा था प्रॉब्लम क्या है आपने सर तो। प्रॉब्लम मैं वही बताना चाह रहा था कि पिछले कुछ समयों में एनपीए बढ़ा था, कुछ बड़े कारपोरेट फ्रॉड हुए थे तो, लेकिन अगर टोटल एनपीए ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो आज के समय में पिछले कुछ सालों से कम हुआ। जो लोन का रेशियो है तो बड़े कॉर्पोरेट का ज्यादा होता है या नॉर्मल जो 2 लाख के ऊपर का लोन होता है उसका? सर कॉर्पोरेट का ही ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट लोन। सीआरआर को हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, बैंक कैसे सीआरआर को मेंटेन करते हैं? सर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है, जो अपने लोन का लेंडिंग जो अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास बैंक को रखना पड़ता है, चाहे कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है और सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकता है। फिर एसएलआर क्या होता है? सर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को अपनी जमा का कुछ परसेंटेज एक्सट्रीम सिचुएशन से निपटने के लिए अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है एसएलआर, सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो बैंकों की लायबिलिटीज क्या? सर लायबिलिटी जो उनके पास डिपॉजिट है वही उनकी बैंकों की लायबिलिटी है, जो जनता ने उनके पास पैसे जमा किए वो लायबिलिटी है। और कोई? और सर जो सिक्योरिटी है वो भी लायबिलिटी है। अगर मार्केट से कैश फ्लो को कम करना, सर जनरली सीआरआर या एसएलआर को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा बढ़ा देते देते हैं। हैं, क्या इसका वास्तव में इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता नहीं? जैसे आरबीआई ने सीआरआर में कटौती कर दी या बढ़ा दिया, सर उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर वह नहीं दिखता है जिस वजह से किया जाता है? सर बिल्कुल दिखता है। अभी पिछले साल महंगाई करीब 11% थी और पिछले साल 2022 से लेकर अब तक कई बार रेपो रेट बढ़ा है, बैंक रेट बढ़ा है, महंगाई उससे 6% के अंदर आ गई है। सर इफेक्ट बिल्कुल है। केवल सीआरआर बढ़ाने से महंगाई पर हम इन्फ्लेशन पर काबू कर सकते हैं? सर लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ओनली नहीं है लेकिन सर महत्वपूर्ण फैक्टर है सीआरआर, जिससे बैंकों का लेंडिंग रेट बढ़ेगा तो कैश फ्लो कम होगा मार्केट में, तो जिससे महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। सर वर्तमान में दिख भी रहा है। जो बैंक खाते हैं जीरो नो फ्रिल वाले, यस सर। तो वो क्या बोझ है बैंक पर या देश के लिए एक धरोहर? सर जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू हुई है 2014 से, 15 अगस्त 2014 से, जो जीरो बैलेंस खाते हैं इन्होंने कई सर करोड़ों रुपए मोबिलाइज किए हैं इकोनॉमी में, इसलिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट की योजना थी जीरो बैलेंस, और महिलाओं में बचत की भावना भी बढ़ाए हैं सर, और जो कामकाजी लोग हैं उनको कुछ क्रेडिट भी दिए हैं, 5,000-10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुआ है जीरो अकाउंट, क्योंकि जो लोग नहीं पहुंच रखते थे बैंकों तक उनका इंश्योरेंस हो रहा है, 5-10 हज़ार का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है। तो सर ये बहुत अच्छी योजना है जीरो बैलेंस। अच्छा, जो यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया है, सर तो क्या इसका इम्पैक्ट भारत और रूस के बीच में जो व्यापार हो रहा है उस पर भी पड़ा है क्या? सर इसका इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन भारत इसके लिए पहले से ही अपनी परियोजनाएं बना रहा है। पहले यूको बैंक को नामित किया था जो रूस और इंडिया के बीच जो पेमेंट है उसके लेन देन की व्यवस्था बनाए, लेकिन सर वर्तमान में रूस से भारत के व्यापार बढ़ा ही है, ये दोनों अपना अल्टरनेटिव सिस्टम खोज रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है स्विफ्ट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है भारत। व्यापार बढ़ा है या व्यापार घाटा बढ़ा है?
सर रूस से अभी तेल का आयात तो बढ़ा है भारत का पिछले साल से, उसको व्यापार घाटे के रूप में लेंगे कि सरप्लस के रूप में? सर व्यापार घाटा, व्यापार व्यापार घाटा। घाटे। अखबार पढ़ा है आपने आज? सर पढ़े क्या क्या पढ़े इस बार? सर मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी बना सकता है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक तो ये न्यूज है। दूसरा, यूएनओ में रूस के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस के अगेंस्ट में एक प्रस्ताव था, भारत ने उसमें उससे बाहर रखा है अपने आप को, भाग नहीं लिए। कौन भाग नहीं लिया है। सर सा अखबार पढ़ते हैं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में मीडिया पर रोक लगाने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऐसी रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। क्या कहा कोर्ट ने कि ऐसा हम रोक नहीं लगाएंगे? रोक नहीं लगाएंगे क्यों मीडिया की स्वतंत्रता पे। ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है क्या वहां? सर हिंडनबर्ग एक वहां की एजेंसी है अमेरिका की, उसने अडानी के बारे में बोला था कि शेयरों में मैनिपुलेशन करके अपना मार्केट कैपिटल बढ़ाए हैं। वही अडानी को मतलब सर उनके शेयरों में मैनिपुलेशन का दावा किया था हिंडनबर्ग ने। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात वास्तव में सही है या प्री प्लानिंग है कुछ ऐसा? सर प्री प्लानिंग है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है सर। कैसे आपने इतने ये इतने दावे से दावे से कैसे कर सकते हैं कि इसमें आधार बिल्कुल आधार सच्चाई? क्या है आपका? हिंदुस्तान के बिल्कुल आपने खारिज कर दिया है क्या? आधार क्या है? सर क्योंकि भारत की भी एजेंसियां हैं, आरबीआई है, सेबी है, उन्होंने अपने तरीके से जांच किया, सुप्रीम कोर्ट है जांच किया है, जरा भी कोई दिक्कत नहीं आया है भारतीय निवेशकों को भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं दिया अभी कुछ ऐसा क्लीन सर चिट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है कि एक उसके लिए हम कमेटी बनाएंगे कि जिससे निवेशकों के हितों का भविष्य में सुरक्षित रख सकें। इसका मतलब क्लीन चिट हो तो सर ये कोई इस तरह से एलिगेशन तो था नहीं सर फॉर्मल की इसको क्लीन चिट देना है कि रिजेक्ट करना है, तो बस बाहरी शक्तियां एक तरह से एलिगेशन लगा रही थी सर। ये तो कोई सर लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं थी कि उस पर क्लीन चिट दिया जाए फॉर्मली। तुम्हें क्या लगता है आपको कि किसी का ये प्लानिंग के साथ हुआ है, अटैक हुआ है इंडिया पर? सर मुझे लग रहा है प्लानिंग के साथ हुआ है कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? इस प्लानिंग में शामिल कौन हो सकते? सर। भारत महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पे उभर रहा है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दुनिया भर में जो भी नए समूह बन रहे हैं या नए ग्रुपिंग हो रहा है उसमें भारत की दावेदारी को मजबूती के साथ देखा जा रहा है। इसलिए कुछ शक्तियां हैं जो भारत को उभरना नहीं देखना चाहती हैं, इसलिए समय समय पर कुछ ऐसी अफवाहें फैला के भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा पेमेंट बैंक क्या होता है? सर पेमेंट बैंक जो केवल पेमेंट करते हैं और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, छोटे अमाउंट के लोन भी देते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। एक लाइन आजकल बहुत पॉपुलर है कि फोन पे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, फोन सर पे जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक हो गया, ऐसे उसको जस्टिफाई करें? सर फोन पे पे डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं और बैंक का काम भी लेन देन है, इस पे भी डिजिटल ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, इसलिए उसे बैंक के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जो फॉर्मल बैंक की परिभाषा है डिपॉजिट लेना लोन देना उसके तहत तो नहीं आता सर अभी तक फोन। अच्छा यूपी की इतनी बड़ी आबादी है और अब इतनी बड़ी आबादी को चलाना मुश्किल काम है। हम इसलिए जानना चाह रहे हैं आपसे कि किसी भी स्टेट में, खास कर यूपी में, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं अभी जो है उसके अलावा? सर जो निवेशकों को अट्रैक्ट किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक बेहतर कदम है, यहाँ निवेश होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद सर टूरिज्म में मुझे लगता है टूरिज्म सेक्टर में और भी काम किया जा सकता है, जो छोटी मोटी धरोहरें हैं उनको रिजुविनेट करके टूरिज्म में बढ़ाया जा सकता है। और सर जो स्टार्टअप पॉलिसी अभी 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया है उससे युवाओं को, यूथ को आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ इंसेंटिव सब्सिडी या इसी तरह से कुछ सहायता आर्थिक देके। यूपी का डिप्टी सीएम कौन है? सर दो लोग हैं सर, श्री केशव मौर्या और सर दूसरे को मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ कहा जाता है यूपी के बारे में कि यहाँ पे ढाई मुख्यमंत्री है, यूपी में एक नहीं बल्कि ढाई मुख्यमंत्री है। ये टू एंड हाफ क्या है? टू एंड हाफ किसको बताता है? सॉरी सर इस बारे में मैं अवेयर नहीं। यूपी के श्रमिकों के लिए सरकार कौन कौन से स्कीम चला रहे हैं? सर 18 जो उत्तर प्रदेश में मंडल है, अटल आवासीय योजना, वहाँ के रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय योजना चलाई जा रही है, और सर ई श्रम पोर्टल है, और
श्रमिक कल्याण दुर्घटना बीमा योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो पीएम आवास और इंदिरा आवास में क्या अंतर? जो स्कीम चल रहा है यूपी में इंदिरा आवास और एक है पीएम आवास, ये वास्तव में क्या दोनों अलग अलग चीजें एक ही है? सर इंदिरा आवास तो आजकल चल नहीं रहा है, मुझे लगता है उसी का दूसरा रूप प्रधानमंत्री आवास अब नाम बदल योजना के रख किया है। ठीक है है। सर आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर आजमगढ़ के। आजमगढ़ के। आजमगढ़ की खराब आर्थिक स्थिति के क्या मूलभूत कारण? सर वहाँ पिछड़ापन था पिछले कुछ समयों में, और इसलिए पिछड़ापन है, आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं थी, लेकिन वर्तमान में कुछ सालों से प्रयास ऐसे कुछ हो रहे हैं जिससे आजमगढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे सर मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई अभी पिछले ही साल, से कितनी प्रयास हो रहे हैं जिससे आर्थिक स्थितियों में सुधार हो रहा है। तहसीलें हैं आजमगढ़ में? सर 7 तहसीलें हैं। सात या आठ? सर मैं श्योर नहीं हूँ। ये बताइए आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर SDM, डिप्टी SP, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, DPRO, BDO और नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार को आपने BSC से ऊपर रखा है? अच्छा, सर BSA के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है आप? नहीं। हिंदी ठीक है। आपका ऑप्शनल क्या था? साहित्य सर। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को लेकर आजमगढ़ के दो बड़े नाम बताइए। सर एक राहुल सांस्कृत्यायन है और एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर। उनकी रचनाओं के बारे में कुछ बताएंगे? सर अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं प्री प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, और सर जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने बेसिकली यात्रा साहित्य लिखा है। रूस में 1.5 साल, रूस में 1.25 वर्ष मेरी तिब्बत यात्रा, सर इतने ही याद कर ठीक है, पा। बहुत बढ़िया। आपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त क्या हिंदी साहित्य की कोई किताब पढ़ी है? नहीं सर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नहीं पढ़ा। पाठ्यक्रम मान लीजिए आप कहीं पे किसी सचिव की मुद्रा में बैठे हुए हैं, स्थिति में बैठे हुए हैं, उस समय आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या काम? सर अभी सभी गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल जो हिंदी राजभाषा विभाग बनाए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, उसको टारगेट दिया जाता है हर साल, और टारगेट को जब वहाँ से अचीवमेंट का आता है उसको ऐसे ही रख लिया जाता है, कोई चेक नहीं करता है। तो मैं उसको चेक करने की प्रक्रिया करूंगा, आवश्यक निरीक्षण की व्यवस्था करवाऊंगा जिससे वास्तव में ऑफिसों में हिंदी में कार्य हो, केवल मंथली स्टेटस रिपोर्ट बना के ना भेजा जाए। आपने बताया कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्या स्थिति है वहां हिंदी की? सर हिंदी इम्प्लीमेंट होता है, हिंदी में लेटर बनाते हैं और कभी कभी नियमित रूप से? नियमित रूप से लेटर बनाते हैं। अभी जैसे भोजपुरी भाषा को लेकर एक बहुत ही खराब इमेज चल रही है पूरे देश भर में, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी भाषा की इमेज खराब करने में भोजपुरी भाषियों की कितनी भूमिका है? सर भोजपुरी भाषा की इमेज इस समय खराब हो रही है सर, मुझे नहीं लगता है। और पिछले कुछ समय में करीब 8-10 साल पहले कुछ दिक्कतें जरूर थी मुंबई में और जो इससे शहरों में, लेकिन इस समय तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारों ने प्रयास किए हैं। यूपी सरकार का वहाँ पे एक ऑफिस खोला गया है मुंबई में, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समाधान के लिए वहाँ की सरकार से कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो स्थितियाँ पिछले 10 साल पहले कुछ सर दिक्कत था, लेकिन इस समय तो मुझे लगता सुधार हो रहा। नहीं, मुझे लग रहा है आप प्रश्न सही से समझ नहीं पाए। मैं भोजपुरी भाषा में जिस तरीके से अश्लीलता का पक्ष बहुत ज्यादा हावी हो चुका है गाने में, सर भोजपुरी गानों में या इस तरीके से, तो उससे भोजपुरी भाषा की इमेज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। तो उसमें भोजपुरी भाषा के लोगों ने, जो जिन्होंने अपनी भाषा में अभिव्यक्ति बंद कर दी है एक तरीके से, तो वो उनकी भूमिका है या नहीं? सर भोजपुरी गाने में नहीं सुनता सर। अच्छा, आप सुनते नहीं, मतलब आपको इस बारे में नहीं पता है बिल्कुल। अच्छा, म्यूनिक सुरक्षा समझौता के यूनिक सुरक्षा समझौता सर, सॉरी सर इस बारे में अवेयर नहीं। अच्छा, जॉर्ज सोरेंस कौन है? सर ये अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे कुछ टिप्पणी किया था अनावश्यक, इसीलिए चर्चा में। एक प्रशासक के तौर पे आप अपने अंदर सबसे प्रभावशाली गुण कौन सा देखते हैं? सर मुझे लगता है जो मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ काफी मददगार होंगे, जैसे फौज में नौकरी किया सर, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, बैंक में नौकरी किया, तो
सर टीम स्पिरिट, लीडरशिप की क्वालिटी और गवर्नमेंट की मैक्सिमम योजनाएं बैंकों के माध्यम से ही लागू होती हैं, तो मुझे बेहतर कोऑर्डिनेट करने में मदद मिलेगा सर। हाल के दिनों में बैंकिंग सिस्टम के लिए यूपीआई काफी चर्चा में रहा है, अभी सिंगापुर ने भी अडॉप्ट किया है, तो ये यूपीआई किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है? सर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एजेंसी का एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए सर। इतना आसान क्यों हो गया ये बैंकिंग सिस्टम, इसने आसान क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? सर इंस्टेंट ट्रांसफर होता है इस पे कुछ अमाउंट तक, इसलिए तुरंत पैसे का लेन देन होता है। बैंक में जाने पर आरटीजीएस एनईएफटी करने में टाइम लग जाते हैं सर, और जो शॉपिंग है ऑनलाइन या हम किसी पीओएस पे जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सब जगह अवेलेबल है। इसलिए क्या इससे बैंकिंग जॉब पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो फिर बैंक में कर्मचारियों की हमें क्या जरूरत? सर कुछ तो फर्क पड़ रहा है सर, कुछ सरकार अपना कास्ट इससे कम कर सकती है क्योंकि कुछ इम्प्लाइज को रिप्लेस कर रहा है सर ये सिस्टम, और मुझे लगता है कि गुणवत्ता पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बाकी धीरे धीरे इम्प्लाइज के रूप में कास्ट सरकार कम कर सकता है। तो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो जो सरकार ने अभी घोषित किया है डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंक खोलना है, 75 बैंक खोलने हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में, ये है क्या डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई में क्या अंतर? सर डिजिटल बैंकिंग होंगे, ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, ऑनलाइन लोन अप्रूवल होगा, और जो यूपीआई है सर वो केवल एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। डिजिटल करेंसी? सर डिजिटल करेंसी वो वैलेट के रूप में अमाउंट होगा, पैसा होगा, आरबीआई अभी लाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम विभिन्न पेमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी भी तो यूपीआई को पेमेंट करते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी तो कैश का लेन देन नहीं होता सर, लेकिन उसके लिए अकाउंट का होना जरूरी है यूपीआई के लिए। इसमें अकाउंट की जरूरत नहीं है? इसमें अकाउंट की जरूरत नहीं है, वैलेट में भी डिजिटल करेंसी को रखा जा सकता है। अच्छा, बैंक के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक अभी चर्चा में रहा है सर, किस लिए? सर भारतीय मूल के बने हैं सर वर्ल्ड बैंक के, वो अध्यक्ष बनने वाले हैं अजय बंगा। अजय बंगा की बात। अच्छा, हॉबी आपकी क्या रही? सर हॉबी कोई पर्टिकुलर नहीं, मतलब आपने जॉब सर्व किया तो उसमें कुछ तो हॉबी अपने लिए समय नहीं निकाल पाए? सर समय ही नहीं निकल पाए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, पढ़ाई के बाद सर और भी काम होते थे, इसलिए हॉबी के लिए कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं बन पाया। ठीक है उमेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।